हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आईआईटी रैंक 2005 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जरूर नहीं हो, आईआईटी रैंक भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट एफ बराबर एक्स आई प्लस टू वाई जे कैप प्लस थ्री जेड के कैप एस बी द सरफेस ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एन कैप इज द इनवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एस देन डबल इंटीग्रेशन एस एफ एन कैप डी एस इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास एफ क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन एफ दिया हुआ है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो अगर हम डेल एफ निकालना चाहें, डेल एफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये दिया हुआ है एक्स आई प्लस टू वाई जे कैप प्लस थ्री जेड के कैप। तो अब डेल एफ निकाल रहे हैं तो डेल एफ हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इसको लिखेंगे डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और ये एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस थ्री जेड के कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई टू वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड थ्री जेड। तो अब ये हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं वन इसकी वैल्यू प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये डेल एफ की वैल्यू आ चुकी है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जब हमारे पास डेल एफ की वैल्यू आ चुकी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रेशन एस एफ एन कैप डी एस इक्वल टू माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ ऑफ डी एस, ये होता है हमारे पास। डी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये होता है। तो अब यहां से हमारे पास डेल एफ की वैल्यू है तो ये है हमारे पास माइनस, और ये वैल्यू जो थी डेल एफ की सिक्स आई थी, तो ये माइनस सिक्स सिक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड और ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू ई, करस्पॉन्डिंग टू ई। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास, अगर इस टर्म को देखें तो ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ये सिंपली एक वॉल्यूम है, इसका जो इसका है ये स्फीयर का वॉल्यूम है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस सिक्स वी, ये हो गया हमारे पास। अब इस वॉल्यूम को निकालना है, तो इस वॉल्यूम को निकालने के लिए सिंपली वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर बाई थ्री पाई आर क्यू। तो यहां से फोर बाई थ्री पाई और आर क्यू क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये आर की जगह वन, तो इंटू वन का क्यूब इक्वल टू आ गया ये फोर बाई थ्री पाई। तो अभी फोर बाई थ्री पाई एंड वी की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन थ्री, सॉरी माइनस सिक्स इंटू फोर बाई थ्री पाई, तो थ्री से टू, ये हो गए माइनस एट पाई। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, यानी माइनस एट पाई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।